या हेलो मिस रिधिमा, वेयर आर यू? अनिरुद्ध का क्लास का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी मिसेस मिनोली, पर आज मैं ट्यूशन के लिए नहीं आ पाऊंगी, मेरी बेटी को बुखार है। सी आई अंडरस्टैंड, अनिरुद्ध का हिंदी का एग्जाम है, अगर आप नहीं आएंगी तो उसका प्रिपरेशन नहीं होगा। हिंदी के एग्जाम के प्रिपरेशन तो मैंने पहले ही करवा रखी है, मेरी बेटी की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ रही है। ओह स्टॉप दिस एक्सक्यूज, यू नो हाउ मच मार्क्स मैटर फॉर मी। अनी शुड स्कोर 95% एंड अबव। आपकी इस लीव के कारण अनी के मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आई हैव टू अपॉइंट अनदर टीचर फॉर अनिरुद्ध, यू अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा। तुम यहाँ बैठे हो अनिरुद्ध, और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मम्मा, वो दादी के पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। कितनी सेल्फिश है ना, अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है आप। इसका एग्जाम है, कम से कम इसका टाइम ऐसे तो वेस्ट मत कीजिए। बस यहाँ बैठे पोते से सेवा करवाई जा रही है, बहुत बढ़िया। और अनी बेटा, एग्जाम के दिनों में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते। ऊपर से तुम्हारी ट्यूशन टीचर, वो भी आज छुट्टी पे है। याद है ना कल किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? हिंदी का। मम्मा, मैं दादी से पढ़ लूंगा। नो, इनसे बेटा तुम्हें चित्रा पढ़ा देगी। अब चलो मेरे साथ। फोन? नहीं नहीं, हम अभी फोन नहीं उठाएंगे। अगर अभी हमने उससे बात की तो हमारी आवाज से तुरंत पहचान लेंगी वो कि हम दुखी हैं, और फिर खुद चिंता करने लगेंगी। अभी बात नहीं करेंगे हम उनसे। मिनोली, मैं जानता हूं कि तुम बजट प्लानिंग में बेस्ट हो। It's just that Mr. Goyal has liking for Devin. So मैं सोचता हूँ कि budget planning Devin को करने दो। Business के लिए अच्छा है। Devin, तुम budget planning संभाल लोगे ना? Of course, Dad. Good. Okay, Dad. अगर आप चाहते हैं कि budget planning मैं नहीं Devin करे, तो ठीक है। Devin को भी एक मौका मिलना चाहिए। Devin, be very careful. Budget planning बहुत अच्छा होना चाहिए। मिस्टर गोयल शुड बी इंप्रेस्ड। डोंट वरी डैड, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गुड। हनी, तुम अपने पापा की तरह केयरलेस मत बनना, ठीक है? ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें अपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर का रिवाइज कर लेना, ओके? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस मिनोली। मतलब हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? केविन प्लीज, अब तुम भी मेरा मूड ऑफ मत करो। वैसे भी तुम्हारे मॉम की वजह से मेरा मूड ऑफ है। बहू, आपको जो कुछ बोलना है हमें बोलिए, देवेन को क्यों बोल रही हैं? माम। ओ प्लीज, अब आप दोनों मिलकर मुझे समझाने का गेम प्लान मत कीजिए। मैं परेशान हो गई हूँ इन चीजों से। देखिए बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई है आपको। सबको मीटिंग के लिए प्लीज अंदर भेज दो, ओके? या देवन, देवन, आई नो तुम बजट अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे काफी एक्सपीरियंस है बजटिंग में।
लेकिन मिनोली एक बार मेरा बजट देख तो लो। देवन, I don't understand. जब बाद में वही करना होगा जो मैं कहूंगी तो अभी अपना बजटिंग बनाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? प्लीज जो मैं कह रही हूँ वो टाइप करो। And I'm really worried कि आज की प्रेजेंटेशन तुम कैसे हैंडल करोगे। प्लीज टाइप करो। बोलो क्या? हाँ आंटी, अभी अभी न्यूज आया है, देखिए। मुंबई पर आतंकी खतरा, सिलसिलेवार बम धमाकों की धमकी दी जा रही है, प्रशासन हरकत में आ चुकी है और आम मुंबई कर चिंता में है। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति है? सबकी सुरक्षा कीजिए भगवान। ये वेन को फोन करना होगा। स्टीफन, अपने काम पे फोकस करो, बाकी बातें बाद में कर लेना। प्लीज अभी जो बोल रही हूँ वो टाइप करो। स्टीफन फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये वो नहीं, ऐसे स्टीफन यार, प्लीज स्विच ऑफ द फोन यार। तुम्हारी माँ भी ना बहुत जिद्दी है, मतलब अगर तुम फोन कट कर रहे हो इसका मतलब तुम बिजी हो, पर वो समझती नहीं है। दादी, पापा कॉल पिक नहीं कर रहे, तो आप एक बार मम्मा को ट्राई करिए। हॉट, अब मुझे फोन कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनको कैसे समझाऊं। भी नहीं उठा रही, अब हम ऑफिस के नंबर पे ही ट्राई करते हैं। मिनोली एक बार फोन तो उठा लो, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अपने काम पे फोकस करो। पर कोई और बात भी तो हो सकती है ना। प्लीज देवन, फोन उठा तो लो। लेकिन नो, आई सेड नो। ये सही नहीं है मिनोली, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। और अगर ये ऑफिस है तो, लेकिन फोन तो घर से आ रहा है ना। नो, यू कांट, प्लीज छोड़ो। मिनोली फोन उठाना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी होगी। जस्ट पागल जैसी बातें मत करो, छोड़ो मिनोली। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कमिंग। ओ यू ऑल आर देयर, प्लीज कम, लेट्स हैव अ मीटिंग। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, फिर मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं, पर हमने सोच लिया है हम आपको स्कूल नहीं जाने देंगे। बेटा शहर में बम धमाका होने वाला है, बल्कि हमें तो किसी भी तरह देवेन और मिनोली को भी घर वापस ले आना है। पर दादी, बेटा आपने देखा ना खुद वीडियो में, कहीं सुनी बातों पर तो हम भी विश्वास नहीं रखते, पर ये आंखों देखा है। देखो ये सब जानते हुए भी हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, और एक साल क्या जिंदगी से बढ़कर है? एग्जाम तो स्कूल दोबारा ले लेंगे, बच्चों की सुरक्षा करना स्कूल की भी तो जिम्मेदारी है ना बेटा। पर दादी पापा मम्मा तो बाहर हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन्हें लेकर आएंगे। पर दादी आप तो नई नई आई हैं, आपको तो रास्ता भी नहीं पता, तो आप कैसे जाएंगी? तो बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, हम मुंबई में अकेली आई हैं, तो क्या ऑफिस अकेले नहीं जा सकते? हम चले जाएंगे और कोई भी मुसीबत आएगी तो आपको फोन कर लेंगे। मम्मा ने आपको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया, अगर आप गए तो आप पर गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। चलिए अब जल्दी से ऑफिस का पता लगाते। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बाकियों को भी खबर कर दूँ ना? हाँ। वैसे चित्रा कहाँ है? चित्रा भी काम से बाहर गई है, हम उसे फोन करके बुला लेते हैं, उनकी भी परेशानी हो रही है अभी। आप जाइए, सबको खबर कर दीजिए। आंटी आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया। बेटा हमें जल्द से जल्द मम्मी पापा के ऑफिस का एड्रेस ढूंढना होगा, यहाँ से शुरू कर देना। कहीं नहीं मिल रहा है, क्या करें? हे भगवान हमारी मदद कर दीजिए, हमारे बच्चों की जिंदगी आप ही के हाथ में है।
मिल गया। हाँ मिल गया। क्या है ये? देखिए इसके अंदर मम्मा के ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। यही है एड्रेस? हाँ भगवान, मैं हम जाकर आते हैं। अच्छा दादी, हाँ अगर आप ऑफिस गए और मम्मा आपके ऊपर गुस्सा करने लगी तो? अगर आपकी मम्मा ने हम पर गुस्सा भी किया ना तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। बेटा हम जाकर आपके मम्मी पापा को सही सलामत फटाफट घर लेकर आते हैं, ठीक है? हम अभी गए और अभी आए। अच्छा मैं आपके फोन में उसका एड्रेस डाल देता हूँ। ओके देखिए इससे आप इजीली पहुँच जाएंगे। अच्छा ये नक्शा है? हाँ इसे देख के तो हम जरूर चले जाएंगे। बेटा आप सही सलामत घर में रहिए, यहीं पर आप सुरक्षित हैं, ठीक है? हमें आपको अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर हम और कुछ नहीं कर सकते बेटा। आप मेरी फिक्र मत करिए, आप बस सलामत होके जाइए और आप मेरे मम्मी पापा को वापस ले आइए, ठीक है? देवेन और मेलोनी का ऑफिस तो यही है। Excuse me, ma'am. हाँ। किसे मिलना है आपको? हमें देवेन और मिनोली से मिलना है, आप जल्दी से उन्हें बुला दीजिए प्लीज। अपॉइंटमेंट है आपका उनके साथ? नहीं नहीं हमें बस पूरी जल्दी घर लेकर जाना है। आपको पता है मुंबई में बम ब्लास्ट होने वाला है, हम तो कहते हैं कि आप लोग सभी लोग घर चले जाइए। बम ब्लास्ट? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नहीं नहीं हमें पता है, हमने देखा है मोबाइल में, न्यूज आई थी अभी अभी। आप खामखा परेशान हो रही है मैम, ये फेक न्यूज होगी। नहीं हम सच कह रहे हैं। क्या हुआ मैम, आपको किससे मिलना है? देखिए हमें मिनोली और देवेन से मिलना है। आप सर और मैम को कैसे जानती हैं? हम देवेन की माँ हैं। माय गुडनेस अनी, आज तुमने अपना एग्जाम मिस किया। हाँ मम्मा, और अच्छा हुआ कि आप घर आ गए। पापा और दादी का है? What? क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम्हारी टीचर का कॉल आया था, उसने कहा कि तुम स्कूल नहीं गए। आज हिंदी का एग्जाम था ना तुम्हारा? हाँ मम्मा, लेकिन आज सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए दादी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। कुछ भी एक मिनट ये सुना। What happened? मैम वो आपकी मदर इन लॉ यहाँ ऑफिस में आई है। Why she is there? मैम आई थिंक उनको ना किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट की फेक न्यूज या मैसेज दिखा दिया था, तो वो काफी डर गई थी और आपकी और सर की चिंता करते हुए वो अकेली ऑफिस तक आ गई। मैम शी इज इन पैनिक, वो अभी तक मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज फेक थी। पहले तो हमारा स्टाफ भी काफी घबरा गया था, लेकिन फिर सब कुछ कंट्रोल में है और हम लोग सब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूज फेक है। गॉड, अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुना, डू वन थिंग, अभी ना तुम उनको कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, मैं यहाँ पे किसी काम में फंसी हुई हूँ, यहाँ से फ्री होते ही तुमको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। या प्लीज हैंडल, चित्रा के भाई को भी ना अभी अपना एक्सीडेंट करवाना था। गॉड, कहाँ फंस गई मैं? हे भगवान, चलो अच्छा हुआ मिनोली बहू घर पहुंच गई। बस अभी आप देवेन को बुला दीजिए, हमें उन्हें भी घर लेकर जाना है साथ में। आई एम सो सॉरी मैम, लेकिन हम सर को कॉल नहीं कर सकते, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। नहीं नहीं आप बुलाइए उन्हें, आप फोन मिलाइए, हमारा फोन नहीं उठा रहे वो। उनसे कहिए कि शहर में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा है। देखिए आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए, आप लोग वहीं सुरक्षित रहेंगे। मैम ये जहान है तो जहान है बेटा। मैम हम सर को फोन नहीं कर पाएंगे, वो मीटिंग में है। और ये आपकी गलत फहमी है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं ये तो हमने वो फोन होता है ना, वो हमारी संगीता जी ने हमें दिखाया है इस पर। मैम आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ये खबर झूठी कैसे है। क्या हुआ मिनोली, 10 मिस्ड कॉल्स, बैक टू बैक फोन क्यों कर रही हो? पता है अर्जेंट मीटिंग छोड़कर आना पड़ा। बताओ
ऐसा क्या तूफान आ गया है? तूफान ही आया है आज। मेरे बेटे के फ्यूचर को बर्बाद करके रख दिया तुम्हारी माँ ने। पर तुम्हें तो अपनी माँ के सामने अपने बेटे की लाइफ की कोई चिंता ही नहीं है। अब क्या हुआ मिनोली, क्या किया माँ ने? नया कांड। मैम ऐसी फेक न्यूज तो बहुत आती रहती है, आप शांत हो जाइए, चाय पीजिए। नहीं, से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम कोई बात नहीं, छोड़िए, अब गलतियां तो सबसे होती है, और देखिए ना इस गलती के वजह से कुछ अच्छा भी तो हुआ। और हाँ मैम, देखिए आप इस शहर में नए हैं और आपने प्रूव कर दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप इस शहर में कहीं भी जा सकती हैं। बिल्कुल मैम, और तो और आपको फोन पर मैप में डेस्टिनेशन सर्च करना आ गया, आप टैक्सी से खुद यहाँ पर अकेले आ गई। और मैम सबसे मेन बात, ये सब आपने किया अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए, आपको तो खुद पर गर्व करना चाहिए। गाइस लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गो बैक टू वर्क। सर एक बात कहनी थी, आपकी मॉम ना बहुत ही क्यूट है, आप और मैम बहुत लकी हो जो उनके साथ रह रहे हो। और देखो वो कितनी केयरिंग है, उनको लगा आप और मैम डेंजर में हो तो अकेले वो यहाँ तक आ गई। प्लीज मोना कीप क्वाइट। माँ चलिए। बाय मैम। यस मिस रिधिमा, व्हाट कैन बी डन नाउ? आपको नए प्रिंसिपल से मिलना होगा, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मगर आप पर्सनली उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी तो वो मान जाएंगी। ओके मैं शायद एक बार मिली हूँ उनसे, उनका विजिटिंग कार्ड भी होगा मेरे पास। लगता है मुझे उन्हें पर्सनली कॉल करना होगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ओके थैंक यू, बाय। देखा, तुम्हारी दादी की फुलिशनेस की वजह से आज मुझे लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। लेट मी फाइंड योर प्रिंसिपल विजिटिंग कार्ड, उस कार्ड में उनका पर्सनल नंबर होगा। या सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, आप तो यहां अच्छी भावना से आई थी, मैं ही नहीं समझ सका, रियली सॉरी। ये मैं आपके लिए लाया हूं। जी प्लीज। थैंक यू। सर सर वो एक पेपर पे आपकी साइन चाहिए थी। आप मेरी कैबिन में जाके बैठिए, मैं अभी आता हूं। दादी को आपके ऑफिस का एड्रेस चाहिए था। What? इसलिए हम लोग ढूंढने आए थे, पर इसमें दादी ने कुछ नहीं किया, ये सब मैच तो मैंने किया है, दादी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बस चुपचाप खड़ी थी। Just shut up, okay? तुम्हारी दादी की जैसे ही कोई बात होती है तुम इतनी सफाई देने क्यों लग जाते हो? नहीं जस्ट गो एंड फोकस ऑन योर स्टडी, समझे तुम? अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाओ अपने कमरे में। हे भगवान, किसी ने फूल दे दिए, किसी ने ताली बजाई, पर हमारे दिल का बोझ बहुत भारी है भगवान। आज हमारी वजह से अनी का एग्जाम छूटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। हमारी गलती को माफी मिलेगी या अनी को भुगतना पड़ेगा? हम
चंचल को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ के गणेश मंदिर में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाए। सुना है कि वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती है। माँ, वहाँ घर पर आपकी वजह से हंगामा मचा हुआ है और आप यहाँ, आपको आपकी गलती का एहसास भी है, आप जानती भी कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है। वहां पर घर पे अनी की स्टडीज का नुकसान और यहां ऑफिस में मेरी इज्जत का तमाशा। आपके ये भगवान फूल माला अनी का एक साल खराब होने से बचा देंगे। जवाब दीजिए। बोलिए चंचल दीदी। हाँ देवन, माँ का फोन नहीं लग रहा है। उनका फोन आया था, कुछ अर्जेंट है क्या? अच्छा अच्छा, माँ ने फोन भी लगा दिया। बहुत सारी बुराइयां की होगी ना हमारी, वो अपनी गलतियां तो नहीं गिनाएंगी पर हमारी तो बहुत सारी गलतियां गिनाई होंगी। ये तुम क्या बोल रहे हो देवन, ऐसा कुछ नहीं है। माँ ने फोन नहीं उठाया इसलिए मैंने तुम्हें फोन लगा दिया। माँ ने तो कुछ नहीं बोला। कुछ हुआ है क्या? दीदी मैं बाद में बात करता हूँ। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.